हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टडी करेंगे जो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एज यू कैन सी यहाँ लिखा हुआ है, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या हुआ? फंडामेंटल मतलब सबसे बेसिक। तो हमारे लाइफ का बेसिक यूनिट क्या है, आप सभी गेस कर पा रहे होंगे? यस, सेल्फ, क्योंकि आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो हम लोगों ने अभी तक जाना है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सभी का जो बेसिक यूनिट होता है यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है सेल। यानी फंक्शन करने के लिए उनका बेसिक स्ट्रक्चर में सेल इन्वॉल्व होते हैं। यानी हम लोग एक चीज यहाँ पे कह सकते हैं कि जितना भी बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ब्लू व्हेल हो गया या शार्क हो गया या एलिफेंट हो गया, जो लिविंग मैमल है अर्थ में, तो इनका जो बॉडी है, ये बॉडी भी एक एक सेल से मिलके बना हुआ है। दैट मीन्स बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स है। ये जो हमारा बॉडी है, ये हम लोग का मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। लेकिन कई ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जो यूनिसेलुलर लाइफ लीड करते हैं। अब यूनिसेलुलर का मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स एक ही सिंगल सेल है जो लाइफ के सारे एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सब कुछ एक ही सेल परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये तो हम लोग आज जानते हैं, लेकिन ये हम लोगों ने जाना कैसे? ठीक है, आज हम लोग सब कुछ पता है, लेकिन जाना कैसे? किसी ने तो खोज किया होगा। तो सबसे पहले जिन्होंने खोज किया था वो था रॉबर्ट हुक ने, है ना। रॉबर्ट हुक सर ने, साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने क्या, वो क्या कर रहे थे, वो जो पेड़ का जो बार्क होता है ना, उस बार्क से कॉर्क बनता है, ठीक है, और वो डेड सेल होते हैं। तो उस कॉर्क का क्या यूज होता है, जो पुराने जमाने में पहले क्या होता, बोतल होती थी ना, तो बॉटल्स को क्या करते थे, ढक्कन के लगाने के फंक्शन में यूज किया जाता था। तो उनका उन्होंने पतला सा लेयर लिया था जो वो लैब में स्टडी कर रहे थे। अब स्टडी कर कैसे कर रहे थे, उसे देख रहे थे, तो देखने के लिए वो तो बड़ा सा चीज है, तो देखें कैसे। तो उनके पास छोटा सिंपल सा माइक्रोस्कोप था, ठीक है। माइक्रोस्कोप क्या होता है, जो छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है। हमारे पास हैंड लेंस होता है जो हम लोग यूज करते हैं, तो वो देख रहे थे, उनके पास सिंपल सा माइक्रोस्कोप था। उनसे जब उन्होंने देखा तो उसमें छोटे छोटे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए। कैसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए, हनीकॉम स्ट्रक्चर। हनीकॉम का मतलब क्या होता है, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, वैसा स्ट्रक्चर था, है ना, ऐसा हेक्सागोनल कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था। तो ऐसे उनको बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई दिए, ठीक है। तो ऐसा हनीकॉम स्ट्रक्चर था, छोटे छोटे ऐसा रूम बने हुए थे। तो इन रूम का उन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया, सेल, है ना। सेल, सेल का मतलब क्या होता है, छोटे कमरे या रूम। किस भाषा में, लैटिन लैंग्वेज में, है ना, लैटिन लैंग्वेज। अब आप लोग सोच रहे होंगे लैटिन लैंग्वेज क्यों यूज किया उन्होंने, इंग्लिश जर्मन ये सब क्यों नहीं यूज किया। जनरल एज बायोलॉजिकल टर्म से उसमें लैटिन नहीं में यूज करते, क्योंकि ये अभी ज्यादा यूज नहीं होता, बट इसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जिन्होंने सेल ऑब्जर्व किया था, कौन थे वो, रॉबर्ट हुक थे। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, वो क्या कि रॉबर्ट हुक ने सेल तो ऑब्जर्व किया, लेकिन जो सेल उन्होंने ऑब्जर्व किया वो थे डेड सेल्स, है ना। तो डेड सेल जब उन्होंने देखा तो सेल में तो कोई मूवमेंट हो नहीं रहा, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म डेड है उसमें कोई मूवमेंट होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा, तो एज इट इज पड़ा हुआ है ना। तो वो उन्होंने कब किया था, इन द ईयर 1665। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइंटिस्ट के नेम क्या, ऑब्जर्व किया एंड द ईयर, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है 1665। और उसी टाइम पे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग साइंटिस्ट कोई ना कोई रिसर्च वर्क कर ही रहे थे। तो उसी दौरान एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लीवेनहुक। अब ये तो हुआ इनका सरनेम, लास्ट नेम, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या हो गया, एंटनी वैन लीवेनहुक। नाम थोड़ा बड़ा है ना, अब भारी भरकम भी, तो इसीलिए अगर पूरा नाम याद ना हो तो जस्ट ये लीवेनहुक नाम याद रख लेना, इससे काम चल जाएगा। अब लीवेनहुक सर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, माइक्रो फॉर स्मॉल, बायोलॉजी फॉर स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। तो माइक्रो मींस छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इनकी स्टडी को कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फ्री लिविंग सेल्स को स्टडी किया। कहां से उन्होंने स्टडी किया, पॉन्ड वाटर में, है ना, यानी तालाब का पानी उन्होंने लिया था और ऐसे ही बस स्टडी कर रहे थे, उनमें उनको लिविंग सेल्स दिखाई दिए। मतलब जब माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने रखा तो उनको छोटे छोटे सेल्स जो मूव करते हुए दिखाई दिए। तो उससे उनको पता चला कि ओके, इतने छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है जो मूव कर रहे, तो वो उन्होंने फर्स्ट, और इसीलिए हम लोग उन्हें जानते हैं कि उन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया और उनके बारे में डॉक्यूमेंटेशन किया। और ये किस ईयर में उन्होंने किया था, ये किया था उन्होंने 1674 में, ठीक है। तो ये उन्होंने किया। उसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, और भी कई साइंटिस्ट ने कुछ काम किए हैं, जैसे रॉबर्ट ब्राउन, है ना। देखो यहाँ भी रॉबर्ट है, यहाँ भी रॉबर्ट है, तो फिर रॉबर्ट रॉबर्ट में कंफ्यूज नहीं होना है, सरनेम को आपको अच्छे से याद रखना है। सरनेम याद रहेगा तो आपको इनके फंक्शन और इनका जो वर्क है वो भी अच्छे से याद रहेगा।
तो रॉबर्ट ब्राउन सर ने क्या किया था, उन्होंने फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। मतलब डिस्कवर करना मतलब कुछ ढूंढ के निकालना, क्योंकि न्यूक्लियस तो पहले से ही था, सबको पता नहीं था, बट उन्होंने फर्स्ट टाइम पता लगाया, ढूंढा, स्टडी किया कि न्यूक्लियस जैसा कोई स्ट्रक्चर भी होता है सेल के अंदर में, है ना। ओके, और दूसरा क्या है, परकिन जी, शॉर्ट नेम यहाँ भी हम लोग याद रखेंगे, शॉर्ट नेम है परकिन जी। इन्होंने फर्स्ट टाइम जो टर्म दिया था वो था प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म क्या है, आप लोग इसके आगे और भी चीज जानेंगे, जैसे साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है ना। तो साइटोप्लाज्म का पहले मैं डेफिनेशन बताती हूँ। एक सेल के अंदर, सेल का ये स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, और ये हो गया न्यूक्लियस, है ना। जो नॉर्मल सेल होते हैं, कौन से वाले सेल, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक, तभी मैंने क्या बनाया है, यूकैरियोटिक सेल बनाया है। अगर प्रोकैरियोटिक बनाऊंगी तो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे। तो सपोज यहाँ पे मान लो कि ये एक न्यूक्लियस है, और इसके बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है, इसके बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। प्लाज्म फॉर द फ्लूइड एंड साइटो बिकॉज इस सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या हुआ, प्रोटोप्लाज्म हो गया एक सेल के अंदर जो सारा फ्लूइड प्रेजेंट है, फ्लूइड भी हो गया, न्यूक्लियस भी हो गया, दोनों को इंक्लूड करके जो मटीरियल होगा वो हो जाता है प्रोटोप्लाज्म। ओके, बट साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म हो गया सिर्फ सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड है उसे हम लोग कहेंगे साइटोप्लाज्म। और ये इन्होंने कब डिस्कवर किया और टर्म क्या दिया प्रोटोप्लाज्म का, 1839 में, ठीक है। इसके बाद तब तक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी डिस्कवरी हो गया था, जिससे हम लोग ज्यादा चीजें को अच्छे से स्टडी कर सके, और फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का भी स्टडी डिस्कवरी हो गया था। देखो हमारे लैब में जो माइक्रोस्कोप हम लोग यूज करते हैं वो होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसे हम लोग कंपाउंड क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें दो लेंसेज लगे होते हैं ना, एक आई पीस होता है और एक नोज पीस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। ओके, अब आते हैं हम लोग सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी क्या बताता है कि सेल से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनको बताता है। तो सेल थ्योरी में जो फर्स्ट थ्योरी दिया गया था वो बताया जाता है दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। यानी लिविंग वर्ल्ड में जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, वो कैसे हैं, वो सभी एक एक सेल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। और ये थ्योरी किसने दिया था, स्लेडन एंड स्वान ने दिया था, क्योंकि दोनों इंडिविजुअली प्लांट सेल और एनिमल सेल की स्टडी कर रहे थे, ठीक है। ये उन्होंने दिया था इन द ईयर 1839 में दिया था, है ना। और इसके बाद कई सालों तक ये ऐसे ही था, लेकिन बाद में एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ वर्च्यू। वो ऑन द ईयर लगभग 1855 में व्हाट ही डिस्कवर्ड, ही डिस्कवर्ड दैट नॉट ओनली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, A न्यू सेल arises फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका क्या मतलब हुआ, क्या कह रहे हैं, एक जो सेल बन रहा है ये पहले से कोई सेल है, उसी से नया सेल आ रहा है, है ना। दैट मीन्स पहले से कोई सेल है, अब ये रिप्रोड्यूस कर रहा होगा, उससे दो सेल आ रहे हैं। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया, इसे ऑब्जर्वेशन में लाया और फिर इसे सेल थ्योरी में इंक्लूड किया गया। इसीलिए आज हम लोग जब भी सेल थ्योरी पढ़ते हैं तो इन दोनों पॉइंट्स को साथ में पढ़ते हैं, और इन तीनों साइंटिस्ट के नाम हम लोग पढ़ते हैं, स्लेडन, स्वान एंड रुडोल्फ वर्च्यू। तो ये दोनों थ्योरी, सेल थ्योरी यही बताता है, है ना। तो अब यहाँ तुम लोग सोच रहे होंगे कि अगर एक सेल से ही दूसरा सेल आता है तो फिर हमारे वर्ल्ड में हम लोग बार बार कहते हैं ना, अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई। अब अंडे के लिए मुर्गी चाहिए, मुर्गी के लिए भी अंडे चाहिए, तो उस कॉन्ट्रोवर्सी में हम लोग अभी नहीं जाएंगे। फिलहाल सेल पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वो किसी और दिन के लिए रहने देते हैं, है ना। सो ये दो थ्योरी कहते हैं। अब सेल के बारे में हमने इतना तो जाना, लेकिन अब सेल जो है वो भी बहुत, उसकी भी बहुत सारी वैरायटी है, डिफरेंट वैरायटीज आते हैं। किस बेसिस पे, शेप पे, साइज पे, फंक्शन पे, है ना। तो जैसे कि जितने सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जितने भी सेल है सबका शेप अलग अलग होता है, सबके फंक्शन अपने हिसाब से अलग अलग होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग अमीबा का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, तो अमीबा का सेल कैसा होता है, अमीबा का सेल बिल्कुल बिना किसी शेप का होता है। कोई शेप होता है, नो, देयर इज नो पर्टिकुलर शेप, उसको कोई शेप नहीं होता, इसलिए अमीबा के शेप को हम लोग कुछ भी शेप का नाम नहीं दे सकते। वही अगर पैरामीशियम देखें, पैरामीशियम इज ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बट उसका शेप कैसा होता है, स्लीपर की, है ना, ऐसा चप्पल के शेप के जैसा होता है, ऐसा कुछ होता है, ये हो गया पैरामीशियम। उसी तरह अगर हम लोग रेड ब्लड सेल देखें, तो रेड ब्लड सेल कैसा होता है, कंकेव होता है ना, हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल
नर्व सेल कैसा होता है, नर्व सेल का साइज काफी बड़ा होता है, बहुत लंबा होता है। नर्व सेल कैसा होता है, उसके एक सेंट्रल साइटॉन होता है, सेल बॉडी होता है ना। ये आपने पढ़ा हुआ है आपने प्रीवियस क्लासेस में, जैसे डेंड्राइट्स कुछ होते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, डिफरेंट वैरायटीज है। तो ये सारे तो यूनिसेलुलर सेल है, तो एक एक सेल ही सारे फंक्शन कर रहा है। इस खाना भी खुद ही खाना है, रेस्पिरेशन भी खुद ही करना है, वेस्ट क्लीनिंग भी खुद ही करना है। बट जैसे जैसे सेलुलर लेवल बढ़ता जाता है, दैट मीन्स द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग का बॉडी, वी आर अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हमारे पास देखो, हमारे आप लोग जानते हैं सेल के बाद टिश्यू लेवल आता है, टिश्यू लेवल देन ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम देन ऑर्गेनिज्म, है ना। तो ये होता है। तो जब ऐसा होता है तो वहां पर डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है, यानी हर एक काम को डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि आप घर पे भी देखो, खाना बनाने का काम कोई एक इंसान कर रहा है, बाहर जाने का काम, झाड़ू लगाने का काम, सभी काम के लिए अलग अलग लोग हैं। तो उसी तरह हमारे बॉडी में भी होता है। सो डाइजेशन का काम कौन कर रहा है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ से लेकर के एनस तक सारे फंक्शन है हमारे। माउथ है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इसोफेगस है, एनस, रेक्टम है। तो ये सभी क्या कर रहे हैं, डाइजेशन का काम कर रहे हैं। वही रेस्पिरेशन के बारे में कहें तो रेस्पिरेशन का काम कौन कर रहा है, नोज कर रहा है, लैरिंग्स कर रहा है, और फिर हमारे लंग्स कर रहा है ना। तो ऐसा इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। फॉर ईच इंडिविजुअल वर्क द वर्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। उसके हिसाब से सेल्स भी डिवाइड किए हुए हैं। रेस्पिरेशन करने वाले जो सेल्स होते हैं वो अलग होते हैं डाइजेशन वाले से, है ना। तो ये होता है यहाँ पे। ओके, अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सेल्स में। ओके, तो यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ सेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जो मेनली सेल्स को डिवाइड किया हुआ है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब ये नाम कहाँ से आया, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट? देखिए, यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ। द फर्स्ट वन इज प्रो एंड सेकंड वन इज यू और कैरियोट्स। सिमिलरली दिस वन इज यू एंड दिस वन इज कैरियोट। सो कैरियोट इज सेम इन बोथ द केसेस ना। तो कैरियोट या कैरियन, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ओके, सो दैट मीन्स वी आर डिवाइडिंग द टाइप्स ऑफ द सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ न्यूक्लियस, है ना। तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ये फर्स्ट या पहले जैसा हुआ करता था, प्रिमिटिव। एंड यू फॉर ट्रू, ओके, ट्रू। सो वी कैन से दैट दीज आर द फर्स्ट टाइप्स ऑफ सेल्स विच एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ। ये जो टाइप ऑफ सेल्स है ये पहले एग्जिस्ट करते थे, पर ऐसा नहीं है कि अब खत्म हो गए, अभी भी है। तो क्या डिफरेंस है, तो प्रोकैरियोट्स या प्रिमिटिव सेल्स है, दीज सेल्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज, है ना। यूकैरियोट के जो सेल्स होते हैं उनसे कंपैरेटिवली स्मॉलर होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, और हम लोग यहाँ क्या कह रहे हैं, मेन बेसिस क्या है डिवीजन का, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कैसा होता है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस, स्पेसिफिक न्यूक्लियस नहीं होता, यानी हम लोग देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि न्यूक्लियस कहाँ है। दैट मीन्स देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, ओके। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स देयर इज अ पर्टिकुलर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके, देयर इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट हियर। वी कैन डिस्टिंक्टली सी एंड आइडेंटिफाई दैट देयर इज अ न्यूक्लियस, देयर इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये डिफरेंस होता है। लेकिन मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बनाया है, मैं बता रही हूँ क्या स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखो और क्या क्या डिफरेंस होता है इस सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं। ऑर्गेनेलीज क्या है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो छोटे छोटे अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है प्लास्टेट, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडीज, ये सभी चीजें है ना। तो यहाँ पे मोस्टली जो भी ऑर्गेनेल, जो भी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ये सभी सिंगल, जनरली यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, वो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ओके। तो एक ऐसा ऑर्गेनली है जो दोनों ऑर्गेनिज्म, दोनों टाइप के सेल्स में पाए जाते हैं, वो है यहाँ पे राइबोसोम्स, ओके। राइबोसोम्स के सेल मेम्ब्रेन, वैसा कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, ओके। तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस तो नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है, ऐसे न्यूक्लियोइड। तो देयर इज नो स्पेसिफिक न्यूक्लियस, बट इन दिस केस वी कैन सी द न्यूक्लियस इज देयर, ओके। एंड वन सच स्ट्रक्चर इज देयर, दैट इज राइबोसोम, व्हिच इज प्रेजेंट इन बोथ द टाइप्स ऑफ सेल्स, बिकॉज द राइबोसोम्स आर नॉट
मेम्ब्रेन इंक्लोज, यानी मेम्ब्रेन के अंदर वो नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, तो न्यूक्लियस नहीं होता है, यहाँ पे होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए एंड आरएनए आर द न्यूक्लिक एसिड, ओके। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में डीएनए प्रेजेंट होता है और कई सारे ऑर्गेनिजम्स में आरएनए भी होता है, यानी लाइफ का जो बेसिस है वो डीएनए, हमारे बॉडी में भी डीएनए आरएनए दोनों ही होते हैं, ओके। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये बेसिक कुछ डिफरेंसेस है, ओके। क्रोमोसोम यहाँ पे सिंगल होते हैं बट यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, मतलब बहुत लॉन्ग होते हैं। जैसे कि अगर ह्यूमन में ही देखिए तो क्रोमोसोम के पेयर हम लोग क्या कहते हैं, 23 पेयर्स कहते हैं, दैट मींस देयर आर सो मेनी बट यू आर ओनली सिंगल, ठीक है। दीज आर स्मॉलर इन साइज, दीज आर नॉट मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड, ओके। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, एग्जाम्पल मोस्टली द बैक्टीरिया, ठीक है। जितने बैक्टीरिया है ये सारे प्रोकैरियोट्स में आते हैं। तो यूकैरियोट्स में क्या आते हैं, यूकैरियोट्स में फंगी, प्लांट, एनिमल, ये सभी हम लोग यूकैरियोट्स में इंक्लूड करेंगे। अब जब हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही यूकैरियोट्स में डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है कि यूकैरियोट जैसे जितने सेल्स हैं उनके भी बीच में आपस में डिफरेंसेस हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल सेल्स में भी डिफरेंसेस है। क्या क्या डिफरेंस है, जैसे कि ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ओके। सो अब हम लोग देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस। तो यहाँ मैंने डायग्राम एक बनाया है, मैंने जस्ट एक रफ डायग्राम है। तो बेसिक जो फर्स्ट आप लोग को डिफरेंस दिख रहा होगा कि प्लांट सेल में देखिए कि पहला आउटर स्ट्रक्चर है एंड देन सेकंड स्ट्रक्चर है, बट एनिमल सेल में क्या है, जस्ट ओनली वन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बाहर का जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है सेल वॉल, एंड अंदर का दोनों में कॉमन है सेल मेम्ब्रेन, दैट मीन्स सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स, ओके। एंड बोथ द सेल्स हैव द सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो सेल वॉल देखो थोड़ा सा रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप दिख रहा होगा क्योंकि ये ज्यादा स्टिफ होता है, ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है ना, लेकिन फ्रीली परमिएबल होता है, दैट मीन्स इट अलाउज ऑल द मॉलिक्यूल्स टू पास इन एंड ऑल्सो टू मूव आउट, ओके। बट एज कम्पेयर टू द सेल वॉल, द सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके। द सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा मेम्ब्रेन, बिकॉज दीज आर सेमी परमिएबल, दिस डज नॉट अलाउ ऑल द मॉलिक्यूल्स, इट अलाउज ओनली अ फ्यू सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स टू एंटर एंड ऑल्सो टू मूव आउट, ओके। नाउ देर आर मेनी थिंग्स सिमिलर बट देर आर सम डिफरेंसेस ऑल्सो। तो पहले हम लोग डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, पहला तो डिफरेंस हो गया सेल वॉल, दूसरा देखेंगे, देखिए कि यहाँ पे प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है एक कॉर्नर की तरफ फेंका हुआ है ना, लेकिन एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर पे प्रेजेंट है, बड़ा सा न्यूक्लियस सेंटर पे अच्छे से जगह लिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पे सेंटर पे क्या है, एक वैक्यूल है बड़ा सा, और एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा सा किनारे में फेंका हुआ है, दैट मीन्स द मेजर डिफरेंस इज दैट देन दैट इज इन प्लांट सेल द साइज ऑफ द वैक्यूल्स इज वेरी लार्ज एंड इट टेक्स अ वेरी लार्ज स्पेस, बट इन केस ऑफ एनिमल सेल्स वैक्यूल्स टेक अ वेरी स्मॉल साइज एंड दे आर प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉल स्पेस, है ना, वो छोटा सा जगह लेते हैं क्योंकि उनका साइज ही छोटा होता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि एनिमल सेल में न्यूक्लियस को अच्छा सा जगह मिल जाता है, बट इन प्लांट सेल द न्यूक्लियस डजंट गेट द स्पेसिफिक स्पेस, एक कॉर्नर भी फेंका हुआ है ना, लेकिन बाकी सारे चीजें सेम है। जैसे कि ER, या यहाँ पे ER दिया हुआ, इसका फुल फॉर्म क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अनदर इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो स्मूथ कब होता है, जब उस पर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं, और रफ कब होता है, जब राइबोसोम्स अटैच होते हैं। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे जब बाकी ऑर्गेनिज्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक और मेजर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे प्लास्टिड प्रेजेंट है बट इन एनिमल सेल द प्लास्टिड इज नॉट प्रेजेंट, ओके। प्लास्टिड का फंक्शन क्या होता है, इसमें कलर्स होते हैं और ये प्लांट के लीफ फ्लावर्स को कलर्स प्रोवाइड करते हैं ना। तो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल बट दीज आर एब्सेंट इन द एनिमल सेल्स, ओके। वन मोर मेजर डिफरेंस इज दैट द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल्स, द सेंट्रियोल्स, ओके। सेंट्रियोल्स कैसे है, ये दो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, सन के जैसा स्ट्रक्चर है, जैसे स्पिंडल बॉडी भी कहते हैं, जो रेज है एस्ट्रल रेज है। तो ये सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और ये सेल के रिप्रोडक्शन में, यानी सेल को डिवाइड करने में ये मदद करता है। तो सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट ओनली इन द एनिमल सेल, दीज आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स। तो
प्लांट सेल में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उनमें सेल प्लेट बन जाता है। ठीक है, जब रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे तो वहां बताएंगे कैसे डिवाइड होकर के सेल प्लेट बनता है। तो मेजर डिफरेंस क्या क्या हुआ, द प्लांट सेल हैव सेल वॉल प्लास्टिड्स एंड लार्ज वैक्यूल, दैट इज व्हाई द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन वन कॉर्नर, व्हाइल इन एनिमल सेल दैट इज एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, एब्सेंस ऑफ प्लास्टिड बट प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियल एंड न्यूक्लियस एंड वैक्यूल इज वेरी स्मॉल, सो न्यूक्लियस टेक्स अ वेरी बिग स्पेस। पर कॉमन चीजें क्या है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया कॉमन है। अब यहाँ पे एक और बात बताना चाहेंगे कि सेल के पास अपना न्यूक्लियस तो है बट देर आर सम अदर ऑर्गेनेल्स ऑल्सो हु हैव देयर ओन न्यूक्लियस, है ना। अपना न्यूक्लियस खुद का होता है और अपने फंक्शंस वो खुद से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कौन कौन से ऐसे पार्ट है, प्लास्टिड एंड दिस माइटोकॉन्ड्रिया। सो प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर टू सच ऑर्गेनेल्स विच हैव देयर ओन न्यूक्लियस, है ना। उनके पास अपना खुद का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, खुद का राइबोसोम होता है, खुद का प्रोटीन बना सकते हैं। ओके, तो आज के चैप्टर में इतना ही, इसके आगे का हम लोग अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आप लोग नोट्स को अच्छे से स्टडी करें एंड कोई डाउट हो तो आप उसके बाद से पूछेंगे। थैंक यू।